नमस्कार, आप देख रहे हैं वो सो पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। पानीपत शहर में तहसील कैंप में दिन दहाड़े एक महिला टीचर की बदमाशों ने झपटी सोने की चैन। आभास होते ही टीचर ने आगे की ओर से अपनी चैन को पकड़ ली। गिरने के बाद भी महिला ने बचाई अपनी आधी चैन। मैं एक्टिवा बैठी थी पीछे बैठी, एक मैडम चला रही थी आरती मैडम, और पीछे से आया कोई, इन्होंने मेरे गले में पीछे से हाथ डाला, मैंने आगे से चैन पकड़ी और मैं नीचे गिर गई एक्टिवा पे। वे आधी चैन मेरी ले गई, आधी मेरे हाथ में रह गई। उसके बाद मुझे नहीं पता मैं नीचे गिर गई। फिर मैंने किसी से पूछा भाई नंबर नोट कर लो। मैंने उठने के बाद उनका कहते हैं आंटी अपाची थी, नंबर छोटा था, उनका दिखाई नहीं दिया। कितने जने थे? तीन जने थे। कितनी देर पहले की बात है ये? ये है 2:10 की। आप क्या करते हो, कहाँ से आ रहे हो? मैं आर्यगर्ल्स पब्लिक स्कूल में हूँ, स्पोर्ट्स की टीचर हूँ। कंट्रोल से मैसेज मिला था कि एक चेंज मिल चुके जो मौके पे आए हैं। तो एक अपाचे बाइक बताया गया, अपाचे बाइक उसको तीन लड़के थे, वो चेन स्नैच किए, लेकिन चैन का एक ही टुकड़ा ही जा पाया 3 से 4 इंच का, बाकी चैन बच गई है। क्लास जारी कार्रवाई, सीसीटीवी वगैरह सब कुछ अभी चेक कर रहे हैं, चेक करने के बाद ही बता पाएंगे कैसे कौन जाए। स्मालखा में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा, 40 गाड़ियों ने बुझाई आग, आग में 35 लाख रुपए का हुआ नुकसान। पानीपत में युवक के हत्यारों को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। स्मालखा में कैंची मारकर नाई ने की थी हत्या, 3.5 साल बाद आया फैसला। पानीपत में हैंडलूम कारोबार से हुई धोखाधड़ी, नहीं हुई कार्रवाई तो सीएम विंडो पर शिकायत देने के बाद हुई कार्रवाई। शहर में आज मनाया जाएगा जन्माष्टमी का महोत्सव, सजाए गए हैं सभी मंदिर। विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते हुए पकड़े क्लर्क को कोर्ट में पेश कर भेजा जेल, 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए किया था क्लर्क को गिरफ्तार। कन्फेक्शनरी की दुकान पर पिस्तौल के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देने में संलिप्त फरार चल रहे एक और आरोपी को थाना पुराना औद्योगिक पुलिस की टीम ने किया गिरफ्तार। महिला से दुष्कर्म के 3 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल की सजा, सभी पर लगाया गया 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी। पानीपत जिले में मिले कोरोना के 17 नए पॉजिटिव केस, 15 मरीजों ने हराया कोरोना को। नगर निगम ने शहर में चल रहे अवैध निर्माणों के खिलाफ शुरू की सख्ती, नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देने पर सील किए जाएंगे अवैध निर्माण। पानीपत के मेयर अवनीत कौर ने चोड़ा बाजार में निर्माणाधीन पिंक टॉयलेट का बाजार के व्यापारियों और बाजार प्रधान के साथ किया निरीक्षण, निर्माण कार्य में लग रहे सामान की क्वालिटी को खुद जांचा मेयर ने। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, ताजा अपडेट के लिए जुड़ रहे वो सो पानीपत के साथ, नमस्कार।